हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मंडार बॉर्डर पर व्यवस्थाएं देखने पहुंची भाजपा नेता, सिरोही भाजपा जिला अध्यक्ष व विधायक रहे मौजूद। मंडार बॉर्डर पर भाजपा जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित और विधायक रेवतर विधायक जगसीराम कोली आपू पिंडवाड़ा प्रवासियों को आवक के मद्देनजर बनाए गए बॉर्डर पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। सिरोही भाजपा जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित एवं विधायक जगसीराम कोली मंगलवार को मंडार पहुंचे और व्यवस्थाएं जांची। भाजपा नेताओं ने बाहर से आने वाले प्रवासियों के बारे में जानकारी ली, उन्होंने लोगों से चर्चा की और कर्मचारियों की बात सुनी, व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए हम सभी लोगों को अपने अपने घरों में रहना है, साथ ही सरकार के आदेश को हर हाल में पालन करने के साथ बाहर जाते समय अपने मुंह पर मास्क लगाना चाहिए। उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों की ओर से जो सेवा दी जा रही है उनके सभी लोगों का आदर प्रकट किया व साथ में मेडिकल टीम व पुलिस कर्मी सभी अध्यापकों पत्रकार बंधुओं का परिस्थितियों के लिए आभार व्यक्त किया। मानव सेवा कमेटी बॉर्डर व कर्मचारियों का माला पहनाकर किया सम्मान। मंडार कस्बे में पिछले 40 दिनों से मानव सेवा कमेटी की ओर से गरीब परिवारों के लिए दो समय का भोजन बनाने के साथ भोजन गरीब परिवारों तक लगातार वितरण किया जा रहा है, साथ ही लोगों को लगातार सेवा करने व आज मानव सेवा कमेटी की ओर से इस कार्य को पूर्ण करने के बाद समापन किया। मंगलवार शाम रेवतर विधायक जगसीराम कोली व आबू रोड विधायक समाराम गरासिया, भाजपा जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित मंडल, अध्यक्ष रमेश चंद्र चौधरी, कालूराम चौधरी, चंदन सिंह, अनिल अग्रवाल, देवी सिंह देवड़ा, प्रवीण जैन, तगत सिंह, देवाराम देवासी, जगदीश जीनगर, राजू राणा, दिनेश जीनगर, कैलाश जैन, कौशिक पंचाल आदि अनेक साथ रहे। मंडार से जागरूक टीवी के लिए अशरफ भाटे की रिपोर्ट।